आम आदमी पार्टी नूं लैके जो पंजाब दे विच क्यास रहियां लगदियां ने, तुसीं काफ़ी समा पंजाब दे विच भी बतीत कीता सी उन्हां समयां दे विच, कहिंदे ने जरनैल सिंह नूं बाहर कर दिता, कोई जरनैल रख लिया, एक जरनैल रह सकदा पार्टी दे विच, दो नहीं रह सकते। आम आदमी पार्टी दा पंजाब दे भविख दी गल कीती जाए, तुहानूं कित्थे नेरे दे विच रोशनी नज़र आउंदी है? सच बात यह है कि मैं अपना बहुत वक्त उसके बारे में सोचने पे नहीं लगाता हूँ। जब मैं आम आदमी पार्टी में था, उस वक्त मैं 3-4 महीने के लिए पंजाब का इंचार्ज था। ये 2013-14 की बात है, दिसंबर 2013 के बाद 3-4 महीने के लिए था। उस वक्त मैंने अरविंद केजरीवाल को एक बात कही थी, वो कुछ कह रहे थे दिल्ली से इसको भेज दो उसको भेज दो। मैंने कहा अरविंद जी, मैं पंजाब को जानता हूँ, मैं पंजाबी जानता हूं, पंजाबी कल्चर को जानता हूं, मेरे सारे दोस्त बचपन के सिख हैं। एक बात आप समझ लो, दिल्ली दरबार पिछले 500 साल से पंजाब पे राज नहीं कर सका है, और अगर आप वो करने की कोशिश करोगे तो मुंह की खाओगे। इसलिए मैं जो करूंगा, जब तक मैं पंजाब का इंचार्ज हूं, पंजाब से लीडरशिप आएगी, पंजाब के लोग होंगे, दिल्ली से हम लीडरशिप नहीं भेजेंगे। मेरी बात उनको पसंद नहीं आई, मुझे हटा दिया गया था तब वहां से। उसके बाद जो कुछ आम आदमी पार्टी ने किया, मैं समझता हूं कि ये बगैर समझे किया। मैंने उन्हें कहा था कि पंजाब हरियाणा नहीं है, यहाँ वो काम नहीं हो सकते, पंजाब की एक अपनी कल्चर है। तो उन्होंने वही किया, दिल्ली दरबार से राज करने की कोशिश की, और पंजाब के लोग जो दोनों हाथ खोल के एक नए ऑल्टरनेटिव को देखने के लिए तैयार थे, उन्होंने उसको स्वीकार फाइनली नहीं किया। और मैं समझता हूँ उस इलेक्शन के बाद तो हालात और खराब और उससे ज्यादा खराब ही होते गए हैं। और ये जो बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी पंजाब के लिए हो सकती थी, पूरे देश के लिए हो सकती थी, वो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने अपने दिल्ली सेंट्रिक विजन की वजह से, ये जो दिल्ली का अहंकार है, दिल्ली दरबार का, उसकी वजह से उन्होंने वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म कर दी। अब क्या गुंजाइश बची है, मेरे ख्याल से तो नहीं है, बाकी आपको ज्यादा पता होगा, मैं रोज रोज देखता नहीं जी, अपना काम करता हूँ। कोई गल नहीं जी, धन्यवाद तुहाडा अकाल चैनल नूं समां देण दे लई, सत श्री अकाल जी। बहुत चंगा, थैंक यू जी, सत श्री अकाल।